सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन एलटीडी के बारे में। सो इसमें आगे क्या होने वाला है और कहाँ से इसमें ब्रेकआउट मिला, कहाँ से इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, कब इसने कितना हमें रिटर्न कमा के दिया, हम उसके बारे में बात करें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर चैनल्स के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो 3.20 रुपये इसका शेयर प्राइस चल रहा है, अच्छा खासा इसमें रिटर्न्स की, और हमें अच्छा खासा इसमें काफ़ी कुछ ग्रीन ग्रीन देखने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ इसमें रिटर्न्स हमें अच्छे मिल रहे हैं। तो देख सकते हो वन डे टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो 0.15 पैसे स्टॉक बढ़ा है, 4.92% का हमें जैसे उछाल देखने को मिला। 5 दिन की टाइम फ्रेम की बात करें तो अच्छा शेयर गिरता हुआ दिख रहा है। 1 मंथ टाइम फ्रेम की बात करें तो 11.11% इस शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली थी, 40 पैसे शेयर का प्राइस गिरा था। और 6 महीने की अगर बात करें, 6 महीने के टाइम फ्रेम पर अगर हम जाए तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर 1.20 रुपये स्टॉक बढ़ा है लगभग 60 रुपये का, 60 रुपये तक, 60% तक स्टॉक में हमें बढ़ा देख रहे हैं। अगर हम बात करें 1 साल की तो तभी भी इसमें 60 रुपये का ही 60% का इसमें बढ़ा था। हमें देखोगे 878.35 लाख करोड़ का इसमें हमें मार्केट कैप यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अगर पाउंड के हाई की अगर बात करें तो 5 रुपये इसका हाई है, और अगर इसके चार्ट पे अगर आए तो हमें अच्छे कुछ पैटर्न्स देखने को मिल रही है। स्टॉक की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ ऊपर था, अगर हम पिछले कुछ इसके इतिहास की बात करें तो स्टॉक काफ़ी कुछ आगे गया था। हम बात करें कि स्टॉक कहाँ से बढ़ा है तो आप देख सकते हो स्टॉक 10 रुपये 20 रुपये काफ़ी कुछ आगे की ओर बढ़ता हुआ हमें दिख रहा था। हम बात करेंगे कि ये मैक्स अगर हम कर दें तो स्टॉक की कीमत थी 645 रुपये, 645-700 तक ये स्टॉक गया था। तो काफ़ी कुछ इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट अच्छे कुछ इसमें पैटर्न्स हमें बनते हुए दिख रहे हैं। मैं उस पैटर्न को हम आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, स्क्रीन पर हम आपको शो करूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल टाइप का यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। इसे अगर बड़ा करूँ तो आपको ईजी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर इसे ब्रेकआउट मिला, काफ़ी कुछ नीचे आया, ब्रेकआउट मिलते ही यहाँ पर एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न मिला, कप एंड हैंडल, फिर ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर फाइनली यहाँ पर इसे ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर की ओर गया है 5 रुपये तक, फिर रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करने के बाद आपको आपने कहीं पर पढ़ा होगा, काफ़ी कुछ आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूबर्स के, उसमें सब लोग यही कहते हैं कि कहीं पर भी कोई सा शेयर अगर ब्रेकआउट देता है तो रिटेस्ट करने की कोशिश करता है। तो ये वही कर रहा है, ऊपर गया, यहाँ पर रिटेस्ट करेगा और फिर इसे ऊपर की ओर जंप लगा सकता है। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 10 रुपये का, जैसे आर पावर में हमें बढ़त देखने को मिल रही है वैसे ही ये स्टॉक में भी हमें बढ़त देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो अगर ये 10 रुपये के टारगेट को भी यहाँ पर क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर भी रिटेस्ट करके ऊपर की ओर इजीली इस तरीके से जा सकता है, इजीली तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट देगा, ऊपर जाएगा। तो आपको काफ़ी कुछ इसमें अच्छे अच्छे आपको रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं आगे देखने के लिए। तो अच्छा, काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर हम आर पावर की बात करें तो आर पावर में भी कुछ इसी प्रकार का पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा था, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट हम सर्च करते हैं। हाँ, ये देखिए आर पावर में इसी प्रकार का हमें पैटर्न देखने को मिल रहा था, हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हो वीडियो, आर पावर सर्च कर सकते हो वहाँ पे मेरा वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे भी हमने इजी सा एक पैटर्न बनाया, उसी तरीके से वैसा ही पैटर्न आर कॉम में भी हमें बनते हुए दिख रहा है और अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के दे सकता है। 700 का स्टॉक 3 रुपये में मिल रहा है। सो गाइज, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।